એક ગુજરાતી દૈનિક અખબારમાં એઆઈ મીમના અસદ ઔસેદી વિરુદ્ધ છપાયેલા અહેવાલનો લિંબાયત વિસ્તારમાં વિરોધ કરાઈ રહ્યો છે. અમદાવાદથી પ્રકાશિત થતા અખબાર ગુજરાત ટુડેમાં અસદ ઔસેદી વિરુદ્ધ લખાણ કરવામાં આવતા જ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ નોંધાવીને માફી માંગવાની માંગણી કરી દીધી છે. इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़िला प्रेसिडेंट हूँ मैं. सबसे पहले मैं अपने संविधान बाबा साहब का सम्मान करता हूँ और उनके दिए हुए अधिकार के मुताबिक मैं इसका विरोध करता हूँ कि जो गुजरात टुडे ने जो हमारे असद साहब के बारे में छापा है, और इसका विरोध करते हुए मैं आज कलेक्टर श्री से साहब से मैं मांग करूँगा कि ऐसे छापने वाले पत्रकारों पर बैन लगाई जाए. क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना ये चाहते हैं कि जो भी न्यूज़ के पेपर है किसी भी पार्टी के बारे में सही छापे और सही रास्ता दिखाएं, इसलिए कि हमारे भारत का एक दूसरा हिस्सा मीडिया है, और इस तरीके से अगर गलत छापेगा और गलत रास्ता दिखाएगा तो पैगाम आवाम को गलत पहुंचेगा, इसलिए हम इसका खंडन करते हैं. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात प्रदेश महामंत्री सैयद खुर्शीद अली, आज क्या विरोध करने में है? आज हमने गुजरात टुडे पेपर जो प्रिंट मीडिया है, पेड मीडिया है, इसका हमने विरोध किया है. इस कारण विरोध किया गया? कारण ये है, हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ओवैसी साहब गुजरात के दौरे पे आए थे इफ्तार पार्टी के वक्त, तो ये गुजरात टुडे ने ओवैसी साहब और हमारी पूरी टीम हमारी जो मजलिस के बारे में जो विरोध में लिखा था इसका हमने विरोध किया है. ये गुजरात टुडे को समझना चाहिए, ओवैसी साहब पूरे यानी कौम के लिए ओबीसी एससी एसटी मुस्लिम समाज दलित समाज सबके लिए बोलते हैं. देखिए आप अभी जैसे कहीं भी यानी दंगे हुए आपको यानी देखने में आ रहा होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाया था. बाकी पॉलिटिकल पार्टी आप देखिए बिल्कुल यानी इसी में बैठे थे और बिल में घुस गए थे. मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गुजरात टुडे को फिर ये लिखना चाहिए ना, क्यों नहीं लिखते? ये गुजरात टुडे का एक षड्यंत्र है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिलकर वहाँ पे काले झंडे यानी फड़काए, हम ये इल्ज़ाम लगाते हैं इनके ऊपर. इन्होंने वो तो बताया काले झंडे फड़काने का, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया वैसे सब नमाज़ पढ़ के निकले तो पूरी कौम पूरे आलिम मुफ्ती कारी सब इनसे मिलने आए थे, मुलाकात करने आए थे, और पूरा मुस्लिम समाज इनसे खुश था. तो इन्होंने ये नहीं बताया और इनके विरोध में इन्होंने लिख दिया गुजरात टुडे ने, और हम इसका सख्त विरोध करते हैं. विरोध में किस तरीके का विरोध किया? लिंबायत नहीं, पूरे गुजरात में इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में विरोध हो रहा है गुजरात टुडे का. हमारी मजलिस के लोग सब कार्यक्रम दे रहे हैं, इनके पेपर जला रहे हैं, इसका बहिष्कार कर रहे हैं. हम हमारी समाज को ये कहना चाहते हैं कि ऐसा पेड मीडिया को बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये पूरा हमारी पार्टी जो है बिल्कुल यानी दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाती है. हमारे ओवैसी साहब, हमारे साबिर भाई काबलीवाला साहब और हमारे पूरे मजलिस के लोग, आप देखिए दबे कुचले लोगों के लिए हम आवाज़ हरदम उठाते रहे और आवाज़ उठाते रहेंगे. आगे हमारी मांगनी, हम अभी आवेदन पत्र देने जा रहे हैं कलेक्टर श्री साहब को, हम वहाँ पे रजूआत करेंगे, कलेक्टर साहब को बोलेंगे कि ऐसे पेपर का बहिष्कार करें और ऐसे पेपर वालों को, ऐसे प्रिंट मीडिया को, पेड मीडिया को आइंदा कोई यानी किसी के समाज के बारे में गलत ना लिखा जाए, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए. हम ये पूरी रजूआत करें. मेरा नाम अब्दुल बशीर शेख है, सूरत शहर युवा प्रेसिडेंट हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन. आज विरोध प्रदर्शन किस है? गुजरात टुडे पेपर ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में गलत न्यूज़ छापी थी कि मस्जिद में से नमाज़ पढ़ के जब वो बाहर निकले तो लोग उनसे मुलाकात करने के लिए खड़े थे, लेकिन उस मीडिया ने उसको ये छापा कि वो उनको काले झंडे बताए और वहाँ के समाज उनसे नाराज़ है. ये बिल्कुल गलत बात है. एक मीडिया और एक पेपर न्यूज़ समाज को आईना दिखाने के लिए बना होता है, और ये इस तरह के अगर झूठ आईना कर लगे लोगों को बताएंगे तो लोगों के अंदर की जो शांति है वो ख़त्म हो जाएगी. तो मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो सच छापे और सच के साथ रहे, क्योंकि मीडिया ये पूरा एक देश का पूरा एक दूसरा हिस्सा है जो उसको लेके चलता है. इसी आपके दिल को लगा ये छापा? बिल्कुल गलत बात है ये, और बहुत दुख वाली बात है, हमारे को तकलीफ हुई है. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे समाज को लेके चलने वाली पार्टी है, ये तमाम हिंदू मुसलमान को एक करके चलने वाली पार्टी है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरी दुनिया जानती है, और नॉन करप्शन इंसान है, और उनके बारे में अगर आप कुछ गलत छापेंगे तो वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. आज आप कलेक्टर जा रहे हो, क्या मांग के साथ जा रहे हो? कलेक्टर श्री को यही मांग करने जा रहे हैं कि गुजरात टुडे हो कि और कोई भी दूसरा पेपर हो, वो सही छापे और सही के साथ चले.